हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या आप भी ग्रीन टी बैग्स को यूज़ करने के बाद इस तरह से कूड़े में फेंक देते हैं? अगर आपके पास ग्रीन टी है और आपके पास पौधे भी हैं तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम आपको बहुत अच्छा एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले हमें धूप में ग्रीन टी के पैकेट्स को सुखा लेना है। दोस्तों, ग्रीन टी हमारे पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये हमारे पौधों को नाइट्रोजन देती है जिससे वो जल्दी ग्रो होते हैं और हेल्दी भी बनते हैं। अगर पौधों में कोई डिजीज़ लगी होती है तो उनसे लड़ने में भी पौधों को शक्ति मिलती है। और ग्रीन टी केचुओं के लिए भोजन का काम भी करती है, अर्थवॉर्म्स जो हमारी मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं। इन टी बैग्स को सुखाने के बाद आप इन्हें नीचे से कट करके इसके अंदर की ग्रीन टी को बाहर निकाल सकते हैं। फिर हम इस ग्रीन टी की लीव्स को अपने पौधे की रूट जोन में डाल देंगे। ये हमारा गुलाब का पौधा है जिसमें इंसेक्ट इन्फेस्टेशन है। इसकी लीव्स कटी हुई हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं और साथ ही में इसमें कलियां नहीं डेवलप हो रही हैं। अपना ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इसमें डालने के बाद आप इसे किसी चीज़ से अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए। ये फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे को 15 दिन में एक बार दे सकते हैं। इसे आपके प्लांट में फिर से अच्छी तरीके से ग्रोथ होने लगेगी और रोजेज में इस तरह से कलियाँ भी डेवलप होने लगेंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।